आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। भारत राष्ट्र समिति का 5 फरवरी को महाराष्ट्र के नांदेड़ में बड़ा जलसेआम मुनाकिद होगा। बीआरएस के क्याम के बाद पहला जलसेआम खम्मम में मुनाकिद हुआ था, जबकि तेलंगाना के बाहर पहला जलसा नांदेड़ में होगा। जलसे के इंतजाम के सिलसिले में वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी को जिम्मेदारी दी गई है। इंदिरा किरण रेड्डी ने गवर्नमेंट व्हिप बी सुमन, रुकन असम्बली बोधन आमिर शकील, तेलंगाना स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के सदर नशीन जी बालामुलु, सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के सदर नशीन रविंदर सिंह और दीगर कायदीन के हमरा नांदेड़ का दौरा किया और जलसेआम के मुकाम का जायजा लिया। उन्होंने जलसेआम के नकाद के सिलसिले में भारी तादाद में आवाम की शिरकत के पेश नज़र नशिस्तों और पार्किंग के मुकाम की निशानदेही की। वजीर जंगलात ने जलसेगाह में बैरिगेड्स और दीगर कामों का जायजा लिया। जलसेआम में चीफ मिनिस्टर KCR के अलावा कौमी कायदीन शिरकत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। हमारे जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी KCR ने BRS पार्टी नया उद्घाटन होने के बाद अभी पहला मीटिंग है नांदेड़ में 5 तारीख फरवरी या उन्हें आकर पहले गुरुद्वारा में दर्शन करके बाद में यहाँ पब्लिक मीटिंग को आएंगे। यहाँ जैनिक्स है, जय BRS पार्टी में जो होने वाला जितने जैन होने वाले उन लोगों का हम स्वागत कर रहे हैं। यहाँ ही भाषण भी रहेंगे CM साहब का, BRS पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट का वो स्पीच रहेंगे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रहते। प्रेस कॉन्फ्रेंस सिटी फ्राइड होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। जितने भी लोग प्रेस को समझाने का है, क्या क्या पूछ रहा है, क्या डाउट्स है, वो पूरा पूछ सकते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब BRS पार्टी प्रेसिडेंट पूरे उनको जवाब देंगे। कोई अभी ये पहला मीटिंग है, अभी हम बॉर्डर में तेलंगाना बॉर्डर में है, जितने भी बॉर्डर यहाँ हमारे बासर से लेके निज़ामाबाद ये पूरा अब टू सिरपुर कागजनगर चेन्नूर तक है, पूरे बॉर्डर में अलग तेलंगाना में जो इम्प्लीमेंट हो रहे स्कीम्स हमारे को भी होना बोल के पूरे लोग मांग रहे। जरूर हमारे CM साहब बोल रहे कि पूरा हिंदुस्तान पूरा हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जब तेलंगाना में इतने स्कीम्स आए हैं नया नया, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए तेलंगाना के, हम हिंदुस्तान में नंबर वन है अभी है। अब ये पूरा हिंदुस्तान में क्यों नहीं लागू नहीं कर सकते, जरूर कर सकते बोल के उनका जो इच्छा है वही बात यहाँ कहने के वास्ते ये जैनिंग जितने भी हो रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं हमारे पास। अभी हमारे जितने भी हमारे मालका जी है, बहुत से लोग यहाँ ऑर्गेनाइजेशन करने के वास्ते यहाँ आए, आके उन्होंने पूरे लोग बहुत से लोग हम पार्टी में मिलने का वास्ते तैयार है। हमारे को आगे BRS पार्टी से हम कांटेस्ट करने का है, अभी प्रचार शुरू कर रहे हैं उन लोग। अभी हमारे पॉलिसीज मैनिफेस्टो आगे इलेक्शन में क्या रहेंगे, जो कौन सा इलेक्शन में लड़ेंगे वो सब बाद में डिसाइड करते। अब तो हम स्वागत करने के वास्ते हम पहले हम आ चुके हैं, हम कल भोकर भी गए, भोकर कॉन्स्टिट्यूंसी किरवट कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने लोग उन लोग आगे आ रहे हैं, औरत से लोग, बूढ़े लोग, बच्चे लोग, नहीं हम BRS पार्टी होना तेलंगाना में के हम रोज देख रहे पेपर में टीवी में, वो पूरे जितने भी इम्प्लीमेंट हो रहा तेलंगाना में हमारे पास भी होना बोल के लोग मांग रहे। जरूर हमारे CM साहब जब पूरे करेंगे आगे जो इलेक्शन कोई भी इलेक्शन आने दो, अभी BRS पार्टी से लड़ने के वास्ते हमारे CM साहब बोल देंगे, वो पार्टी के प्रेसिडेंट है। सबको नमस्कार। ये मीटिंग को जितने भी जैनिंग होने वाले पूरे लोगों को 5 तारीख को, 4 तारीख को भी यहाँ 2500 रूम तक ये अरेंजमेंट कर रहे, दूर दूर से आ रहे उन लोगों का।